हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड लवली सब्सक्राइबर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम पॉइंट। और हमने हमारे पिछले टॉपिक्स में कई सारे अल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा है कि किस तरह अल्गोरिदम करते हैं काम, और साथ साथ में हमने पढ़े थे स्ट्रिंग्स के बारे में। और पिछले और खास करके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग प्रोसेसिंग के बारे में, और उसमें मैंने खास तौर से बात करी थी पैटर्न मैचिंग अल्गोरिदम्स के बारे में। तो आज का हमारा पॉइंट है पैटर्न मैचिंग अल्गोरिदम्स के ऊपर। तो पहला सवाल कि व्हाट इज द पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम। तो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जिसके अंदर हम स्पेसिफिक पैटर्न्स को ढूंढते हैं हमारे स्पेसिफिक या फिर गिवन टेक्स्ट के अंदर से। अब इन तरह के एल्गोरिदम का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें स्पेसिफिक डेटा को ढूंढना पड़ता है स्ट्रिंग्स के अंदर से। समझे, मेरा नाम है संजीव और मुझे उसमें से स्पेसिफिक कैरेक्टर को या स्पेसिफिक स्मॉल स्ट्रिंग को फाइंड करना है, उसकी पोजीशन पता लगानी है। तो ऐसे टाइम पे हम पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास में जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है उसके अंदर बेसिकली हम दो तरह के पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम का बहुत बार करते हैं इस्तेमाल। तो पहला है फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम, जिसे हम स्लो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम भी बोलते हैं, और जो सेकंड है वो है फास्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम या फिर सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम। सो टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम की तरफ, जो बहुत सिंपल है और इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट चेक करने का और फाइंड करने का। इस एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हर स्ट्रिंग में से हर एक पॉसिबल पैटर्न को पढ़ने की कोशिश करता है, उसे चेक करता है, और उसको कभी वो पैटर्न मिलता है तो उसका इंडेक्स हमें प्रोवाइड करता है। इन केस कि अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर हमारा पैटर्न है ही नहीं तो ये हमें प्रोवाइड करेगा इंडेक्स नल। तो पहले आपको बता दूं कि अगर आपको एल्गोरिदम के बारे में कोई भी डिफिकल्टी है या फिर स्टेप्स कमेंट्स ऐसे स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स है तो आप जा सकते हैं आईकार्ट लिंक के तरफ, जिसमें मैंने पहले ही लिंक डाल रखी है मेरे कुछ पिछले पार्ट्स की, जिसमें मैंने एल्गोरिदम्स के बारे में, लूप्स के बारे में और जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है उनके बारे में बताया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको आगे भी प्रॉब्लम जाती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसमें या फिर आईकार्ट में जा सकते हैं, आपको और भी वीडियोज मेरी दिखेंगी और आई होप कि उनसे आपको ये एल्गोरिदम और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो बढ़ते हमारे एल्गोरिदम की तरफ। तो स्टेप नंबर वन हमें क्या बताती है, तो स्टेप नंबर वन में हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन स्टेप में ये होता है कि हम हमारे जो भी प्रोसेस होती है उसकी जो स्पेसिफिक वेरिएबल्स है उनको इनिशियलाइज करते हैं। तो इसके अंदर हमने के वेरिएबल लिया है जो हमें आगे इंडेक्सेस के बारे में वैल्यूज बताएगा। तो हमने उसको वैल्यू दे दी है वन, और हमारी मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए, हमने हमारे जो इंडेक्सेस है जो हमारे पैटर्न के इंडेक्सेस होंगे उनकी वैल्यू बताने के लिए हमने के वेरिएबल लिया है, और मैक्सिमम वेरिएबल हमने दिया है s माइनस r प्लस वन। अब s है क्या, s ये हमारे गिवन स्ट्रिंग की लेंथ है, और जो r है वो हमारे पैटर्न की लेंथ है। समझे, मेरे गिवन स्ट्रिंग है सात अक्षरों की या फिर सात कैरेक्टर्स की, और जो हमारा पैटर्न है वो है तीन कैरेक्टर का। तो हमारा जो k की वैल्यू बनेगा वो बनेगा 7 माइनस 3 प्लस 1। अब ये प्लस 1 हमने ऐड क्यों किया, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं बट हमारी पोजीशन वैल्यूज को हम 1 से कंसिडर करते हैं। तो ये 0 और 1 के बीच का जो गैप है उसको हम कैंसिल करने के लिए, या एल्गोरिदम में ये कंफ्लिक्ट ना आए कि हम समझ रहे हैं 0 और एल्गोरिदम उसको 1 पकड़ रहा है, तो ऐसी गलतियां ना हो इसके लिए हम यहाँ पे प्लस वन ऐड कर देते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे स्टेप टू के तरफ। तो इसमें हमने लगाया है व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप कौन कौन से स्टेप्स को लगाया, स्टेप नंबर 3 से लेके स्टेप नंबर 5 तक। और कंडीशन हमने डाल दी है व्हाइल की के लेस देन एंड इक्वल टू एम तक मैक्स। अब जो हमारा के रहेगा वो इस लूप को बार 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 कब तक करेगा, जब तक वो मैक्सिमम पोजिशन तक नहीं पहुंचता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेप थ्री के तरफ। तो यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर लूप, और हमने वैल्यू डाल दी है यहाँ पे L, L इज इक्वल टू 1 टू R। अब ये L इज इक्वल टू 1 टू R है क्या, अब हमने जब वाइल लूप लगाया तो वाइल लूप में से हमने स्पेसिफिक जो हमारी लंबी स्ट्रिंग थी उसमें से हमने एक पार्ट निकाल लिया। समझिए, हम पहली इंडेक्स वैल्यू से निकालते हैं और हमने हमारा एक पैटर्न बाहर निकाल लिया, वहां से हमने एक इंडेक्स वैल्यू निकाल ली। अब वो इंडेक्स वैल्यू से हमें चेकिंग शुरू करनी है कि हमारा जो पैटर्न है वो मैच हो रहा है, हमारा पैटर्न मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो ये फॉर लूप में कोई पैटर्न नहीं ढूंढता है
तो वो वाइल लूप को डबल से कॉल करेगा और उसके बाद वाले पैटर्न को कॉल कर देगा, और डबल से फॉर लूप लगेगा और वो पैटर्न को वन बाय वन करेगा स्कैन, और अगर वो डबल से फेल होता है तो डबल से वो वाइल लूप को करेगा और उसके आगे की स्ट्रिंग को कॉल करेगा। इसे हम समझ सकते हैं इस तरह से कि हमारे पास में एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, इसमें से हमें इस पार्ट को फाइंड करना है। तो अब इस पार्ट को फाइंड करने के लिए हम शुरुआत करते हैं यहां से, उसके बाद में हम इसको स्कैन करेंगे, इसके बाद वाला कैरेक्टर, इसके बाद वाला कैरेक्टर, इसके बाद वाला कैरेक्टर, और जब हम इस कैरेक्टर पर पहुंचेंगे और हमारी वैल्यूज मैच होंगी उस वक्त ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा, सक्सेसफुल लिखेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से वो जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें से वो पैटर्न को मैच करेगा। अगर ये पैटर्न मैच नहीं होता है तो हम डायरेक्टली जंप मार देंगे स्टेप नंबर 5 में, जो फॉर लूप का एंड है, और उसके बाद में हम हमारे इंडेक्स को सक्सेसफुली फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा स्टेप नंबर 3 में वैल्यू फाइंड हो गया तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 के तरफ, और स्टेप नंबर 4 हमारे इंडेक्स की वैल्यू लिख देगा, यानी कि हमारे इंडेक्स की वैल्यू क्या बनेगी, के, और हम हमारे एल्गोरिदम में से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर हमको वैल्यू नहीं मिलती है तो जैसा मैंने कहा था कि फॉर लूप का एंड हो जाएगा और स्टेप नंबर 5 की तरफ हम बढ़ जाएंगे, और हम के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और वाइल लूप की तरफ जंप मार लेंगे, और स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 तब तक कॉल होंगी जब तक हमारा जो के है मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता है या फिर हमें हमारी इंडेक्स की वैल्यू नहीं मिलती है। जैसे ही ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी हम हमारे दोनों लूप में से बाहर आ, हमारे वाइल लूप में से बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही ये दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है हम हमारे वाइल लूप में से बाहर आ जाते हैं और इंडेक्स की वैल्यू के आ जाती है। और स्टेप नंबर 6, कभी हमारी कोई वैल्यू मिली ही नहीं तो फिर इंडेक्स की वैल्यू क्या आएंगी, ऑब्वियसली 0। और जब ये पूरा एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम जो जाएंगे स्टेप नंबर 7 पे, जो है एग्जिट, यानी कि हमें हमारी वैल्यू मिल चुकी है या फिर नहीं मिली है, एल्गोरिथम टोटली खत्म हो चुका है और हम हमारे एग्जिट से बाहर आ जाएंगे। अब ये पैटर्न एल्गोरिथम का एडवांटेज ये है कि हम हमारे टेक्स्ट को हमारे हिसाब से स्कैन कर सकते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत स्लो मेथड है, यानी कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आखिर तक आपको पैटर्न मिले ही नहीं, तो आपको कितने कितने कंपैरिजन करना पड़ेंगे। पहला तो आपको हर एक पैटर्न को बार 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 स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद में वो जो हमने स्ट्रिंग्स निकाली है या फिर सब स्ट्रिंग्स बनाई है उनको भी हमें बार 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 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करना पड़ेगा। सो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ये बहुत बड़ा एल्गोरिथम बन जाता है। बट आप समझिए कि इसको स्पेस बहुत कम लगती है क्योंकि फॉर लूप लगने वाला है और बस हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा स्टोर नहीं करना होता है, तो इसलिए। बट यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले एल्गोरिथम की तरफ, जो है सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम और फास्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। अब आप इसके नाम से समझ गए कि ये एल्गोरिथम फास्ट है, बट ये फास्ट क्यों है, इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिकॉज हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर फाइनल स्टेट ऑटोमोटा का। अब फाइनल स्टेट ऑटोमोटा होता क्या है ये मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो एल्गोरिथम है इसको स्पेसिफिकली जो टेक्स्ट है उसकी जरूरत नहीं गिरती है। हम स्पेसिफिक तरह का एक टेबल जनरेट करते हैं उस स्पेसिफिक पैटर्न के लिए, और हमारा जो एल्गोरिथम है वो टेबल का इस्तेमाल करता है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि हमारा जो ये टेक्स्ट है या फिर गिवन टेक्स्ट है उसके अंदर हमारा पैटर्न है या नहीं है, और अगर है तो कहां पर है। और रिगार्डलेस हमें बिल्कुल भी इसमें गिवन टेक्स्ट की नेसेसिटी होती नहीं है, कोई भी तरह का आप टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे ये एल्गोरिथम उसको फास्टली स्कैन करके खत्म कर देगा और आपको आपका पैटर्न मिल जाएगा, है तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली इंडेक्स की वैल्यू 0 आ जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेट ऑटोमाटा की तरफ। अब यहाँ पे हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, अब सपोज हमारे पास एक ऐसा पैटर्न है पी जो है ए ए बी ए, और हमें उसको स्कैन करना है हमारे गिवन टेक्स्ट में, वो कोई भी रहे, जैसा मैं बता चुका हूं ये जो एल्गोरिथम है इंडिपेंडेंट होता है टेक्स्ट से। हम बढ़ते हैं हमारे पैटर्न मैचिंग टेबल की तरफ, और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। जैसे ही हम स्टेट क्यू 0 पे रहते हैं और हम ए वैल्यू को डालते हैं तो हम बढ़ते हैं स्टेट क्यू 1 के तरफ, और जैसे ही हम स्टेट क्यू 1 में ए डालेंगे तो हम बढ़ेंगे स्टेट Q
Q2 के तरफ, और जब हम स्टेट Q2 के अंदर B को डालेंगे तो हम बढ़ेंगे स्टेप Q3 के तरफ, और जब हम स्टेट Q3 में A को डबल से डालेंगे तो हम पहुंचेंगे हमारे पैटर्न के तरफ। अब ये टेबल जो है इसमें जब तक आप ए ए बी ए को नहीं डालेंगे आप पैटर्न तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट की जरूरत नहीं है कि मेरा गिवन टेक्स्ट क्या है क्या नहीं है, आपके पास पहले से प्री डिफाइंड टेबल है, और जब भी कोई स्ट्रिंग इस टेबल में के किसी भी तरह से पैटर्न तक पहुंच जाएगा वो हमारे कंडीशन को कर देगा सेटिस्फाई और हमें हमारा पैटर्न मिल जाएगा। और जब कोई स्ट्रिंग ऐसे टेबल का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो बात ही खत्म हो गई, हमारे स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न है ही नहीं। सो ये तो हमने पढ़ा है कि हमारा टेबल किस तरह काम कर रहा है, बट उसका ग्राफ कैसा काम करेगा, हमारा फाइनल स्टेट ऑटोमेटा दिखेगा कैसा, या फिर उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होंगी। तो ये रहा हमारा Q0 स्टेट। Q1 पे पहुंचने के लिए आपको A का इस्तेमाल करना पड़ेगा, Q2 के लिए A का, और Q3 के लिए B का, और उसके बाद में लास्ट में पैटर्न तक पहुंचने के लिए डबल से A का। अब हर स्टेट के लिए दो दो वैल्यूज है, जैसे कि Q0 के लिए A B है, Q1 के लिए भी A और B है, और इस तरह से हर स्टेट के लिए अलग अलग वैल्यूज है। तो हमने Q0 के टाइम पे इस्तेमाल कर लिया है A को, तो हमारे पास बचा B, तो B को हम कहाँ डालेंगे, सेल्फ लूप लगा देंगे और वो वहां पे पहुंच जाएगा, यानी कि Q0 पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से हम करेंगे इस्तेमाल Q1 का। अब Q1 में जब तक A आएगा नहीं हम आगे बढ़ नहीं सकते, बट कभी B आ गया तो हम डबल से उसको रिडायरेक्ट कर देंगे Q0 की तरफ, क्योंकि हमारी कंडीशन फेल हो जाएंगी कभी वो आगे गया तो इसलिए हम उसको डबल से Q0 पे भेज देते हैं। तो इसी तरह से Q2 में जैसे ही वैल्यू A आएंगी तो हम डबल से हमारे को कहां भेज, हम कहां पहुंच जाएंगे Q2 के तरफ। अब यहां पे हम उसे Q0 के तरफ नहीं भेज रहे क्योंकि हमारे पास में कभी A A और A आ गया तो फिर हम उसे Q0 पे नहीं भेज सकते, हम उसे डबल से Q2 पर ही भेजेंगे। क्योंकि आप कभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 3A के अंदर हमको भी लास्ट A को छोड़ डाले, उसके बाद के 2A तो भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि हमारा पैटर्न यहाँ मिल सकता है, इसीलिए हम उसको Q0 पे नहीं भेजते हुए Q2 पर ही रिडायरेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसको सेल्फ लूप लगा दे रहे हैं। और लास्ट में Q3 से हमें डबल से बी मिलता है क्योंकि बी अकेला बच जाता है, तो हम उसे डबल से Q0 पे भेज देते हैं। और ये रहा हमारा टोटल फाइनल स्टेट मशीन या फिर फाइनल स्टेट ऑटोमोटा। ये जो डायग्राम है ये हमारी फंक्शनलिटी डिसाइड करेंगी कि हमारा पैटर्न हमारे स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एल्गोरिदम की तरफ। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे साथ वही होना है, इनिशियलाइजेशन। तो हमने के की वैल्यू ले ली 1 और यहाँ पे हमने स्टेट्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो स्टेट नंबर 1 की वैल्यू हमने कितनी ले ली है, Q0, यानी कि स्टेट 0 जो हमारी रहने वाली है। अब उसके बाद में स्टेप 2, यहाँ पे हम व्हाइल स्टेटमेंट लगाते हैं स्टेप नंबर 3 से लेके 5 तक, और कंडीशन क्या रहने वाली है, एस के नॉट इक्वल टू पी एंड के नॉट इक्वल टू एन। अब यहाँ पे हमने एस के जो है ये नॉट इक्वल टू पी इसलिए लिया है कि जब तक हमें पैटर्न मिलना नहीं है हमें व्हाइल स्टेटमेंट लगानी है, और जैसे ही हमें पैटर्न मिल जाएगा हम व्हाइल स्टेटमेंट में से आने का काम ही नहीं बचेगा, तो इसलिए वहां तक आए। और k की वैल्यू नॉट इक्वल टू n हमने इसलिए ले ली क्योंकि कभी k की वैल्यू n रही जो हमारी पैटर्न की लेंथ है उस तक पहुंचने का काम नहीं रहेगा, तो ये कैलकुलेशन के लिए हम k की वैल्यू n तक नहीं लेना चाहते। और जैसे k की वैल्यू n तक आ जाएंगी इसका मतलब हमारी गिवन स्ट्रिंग ही खत्म हो चुकी है, तो हमें फिर उसको कोई काम ही नहीं बचेगा ना, क्योंकि गिवन स्ट्रिंग है वही खत्म हो गया है, तो वाइल्ड लूप लगने का सवाल ही नहीं बचेगा। तो इसलिए हमने ये दो कंडीशन एंड के अंदर डाली, दोनों में से जो भी ट्रू होगा हम लूप में से बाहर आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम स्टेप 3 के तरफ जो है रीड टी के। अब टी के क्या है, टी के है जो हमारा गिवन टेक्स्ट है उसकी kth पोजीशन। अब हमने यहाँ पे एस के प्लस 1 जो ये वैल्यू है यानी कि हमारा स्टेट। अब हमारा जो पहला स्टेट है था वो था Q0। अब हम Q0 से कहां जाना चाहते हैं, Q1 पे। अब हमारा जो पहला स्टेट था यानी कि S1 वो क्या था, वो था Q0। और उसके बाद में हम हमारे अगले स्टेप को पता लगाना चाहते हैं कि हमारा सेकंड स्टेट है कौन था। तो हमारा सेकंड स्टेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमारे एस को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो हमने एस वन को इंक्रीमेंट किया बाय वन, बट हमने उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, हमने वहां पे फंक्शन लगाया, ट्रांजेक्शन फंक्शन लगाया एफ एस के कॉमा टी के। अब एस के और टी के का जो कॉम्बिनेशन है वो आप टेबल में देखेंगे। अब आप कभी इस टेबल में देखेंगे तो हमारा कभी स्टेट रही क्यू वन और हमने वैल्यू डाल दी बी, तो हमारा जो फंक्शन एस के है उसकी वैल्यू बन जाएंगी क्यू जीरो, क्योंकि क्यू वन पे से कभी हम बी का इस्तेमाल करेंगे तो जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो हमें क्यू जीरो पे लेके चले जाएंगा। तो जो हमारा एस के प्लस वन है उसकी वैल्यू फंक्शन के कॉम्बिनेशन से, यानी कि जो हमारा टेबल है उसके कॉम्बिनेशन से बनने वाली है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप फाइव के तरफ। अब स्टेप फाइव में हम क्या कर रहे हैं कि k की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो हम व्हाइल लूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि व्हाइल लूप में बार बार इंक्रीमेंट करने के लिए और चेक करने के पर्पज से। और जैसे ही हम फिफ्थ पोजिशन पे पहुंच जाएंगे हम हमारे जो व्हाइल लूप है उसको एंड कर देंगे। अब हमें जो स्टेप सिक्स है वो क्या बता रहा है, अगर हमें हमारे पैटर्न की वैल्यू मिल जाती है व्हाइल लूप को स्कैन करते वक्त, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन लगाते जा रहे हैं, फंक्शन पे फंक्शन फल लगाते जा रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया था, और हमारा जो फाइनल स्टेट है वो पैटर्न पी तक पहुंच जाता है, तो हमें यहाँ पे जो हमारे इंडेक्स की वैल्यू है वो मिल जाएंगी। अब हमारे इंडेक्स की वैल्यू कैसे मिलेंगी, अब हमारा जो पैटर्न है वो kth पोजिशन पे पहुंच चुका है, जो हमारा k की वैल्यू है वो हमारे मेन इंडेक्स पोजिशन से, यानी कि हमारे पैटर्न के इंडेक्स पोजिशन से आगे निकली हुई रहेंगी पैटर्न की लेंथ तक, क्योंकि हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे पैटर्न्स को स्कैन कर रहे हैं बारी बारी। अब हमने जब फाइल लूप शुरू किया और हमारा पैटर्न यहां से शुरू हुआ तो हमने हमारे फाइनल स्टेट ऑटोमोटा में उसको स्कैन करते हुए गए, और हमें यहां आके पता चला ओके हमारा पैटर्न तो मिल चुका है बट हमारे पैटर्न की मेन इंडेक्स तो यहां पर है, तो हमें टोटल लेंथ को माइनस करना पड़ेगा, और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू के माइनस लेंथ ऑफ पैटर्न, और कभी हमारी वैल्यू मिलती ही नहीं है तो ऑब्वियसली इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो, अनसक्सेसफुल, और लास्ट में एल्गोरिदम एग्जिट हो जाएगा। हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, बट समझ के लीजिए दोस्तों ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत सिंपल है। और पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम तो आपको इतनी बार इस्तेमाल करना पड़ता है, इतनी अलग अलग जगह पे वैरायटी में इस्तेमाल करना पड़ता है कि आपको ये एल्गोरिदम अब कुछ दिनों के बाद में याद ही हो जाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो आई होंगी पसंद, तो अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल कॉम्पॉइंट। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और अगर आपको इस वीडियो की रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे ब्लॉगर के लिंक पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो आई होंगी पसंद, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को कॉम्पॉइंट, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हफ्ते में 3 बार डालते रहता हूँ, और मैं अभी फिलहाल में डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।